नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अमेर के मान सिंह, अमेर के शासक मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है कि राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, राजस्थान के शासकों द्वारा मुगलों के साथ सहयोग और प्रतिरोध की नीति अपनाने वाले शासक पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रतिरोध की नीति अपनाने वाले महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, और सहयोग की नीति अपनाने वाले शासकों में हम लोगों ने बीकानेर के राय सिंह के बारे में पढ़ा। आज हम अमेर के शासक मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अमेर के शासक अकबर के समय अगर हम बात करते हैं तो हारमल गद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है, और हारमल राजस्थान के सबसे पहले शासक हुए हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत रियासत कौन सी थी, आमेर। आमेर के शासक हारमल मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार करने वाले शासक थे, ठीक है। अब बात आती है अब हारमल की मृत्यु के बाद इनका पुत्र भगवंत दास गद्दी पर बैठा, इसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, पिता ने फिर भी मुगलों के अधीन ही शासन कर रहा था, ठीक है। और भगवंत दास की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मानसिंह गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो मानसिंह के बारे में ही है। तो देखो मानसिंह का जन्म कब हुआ था, 21 दिसंबर 1550 को हुआ था, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब अकबर की अधीनता भारमल ने स्वीकार की थी तो उन्होंने अपने पुत्र या पोते मानसिंह को मुगल सेवा में भेज दिया था। अतः जब वो भारमल गद्दी पर बैठे हुए थे तब मानसिंह थे। और अब हम बात करते हैं कि मानसिंह ने मुगलों को जो जो सेवाएं दी उन सेवाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो मानसिंह ने मुगलों को जो सेवाएं दी उसको हम तीन चरणों में बांटेंगे। पहला चरण भंवर मानसिंह के रूप में, भंवर मानसिंह के रूप में या मानसिंह की पहचान राजा के पुत्र के रूप में, तो भारमल अभी गद्दी पर बैठे हुए हैं और भगवंत दास क्या है, भंवर है, तो ये क्या है, भंवर है। तो पहले चरण में इनकी पहचान भंवर मानसिंह के रूप में थी, 1565 से 1574 तक भंवर मानसिंह के रूप में सेवाएं दी। अब भारमल की मृत्यु हो गई 1574 में और भगवंत दास शासक बन गए। अब मानसिंह की पहचान कंवर मानसिंह के रूप में थी, तो कंवर मानसिंह या कंवर मानसिंह के रूप में 1574 से 1589 तक सेवाएं प्रदान की। अब तीसरा चरण आता है जब भगवंत दास की मृत्यु हो गई और मानसिंह गद्दी पर बैठे हैं। अब मानसिंह की जो पहचान है वो अमेर के शासक के रूप में, कि अमेर के शासक के रूप में उन्होंने 1589 से लेकर 1614 तक मुगलों को सेवा प्रदान की, ठीक है। तो किस चरण में क्या सेवा दी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम भंवर मानसिंह के रूप में जो सेवाएं दी, पहले इनकी पहचान जो भंवर मानसिंह के रूप में है, इनके दादा अभी गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो इस चरण में इन्होंने क्या सेवाएं दी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो इन्होंने अभियान किया अकबर के लिए वो था रणथंभौर का अभियान। देखो अकबर रणथंभौर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और अकबर ने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और मानसिंह क्या थे, अकबर के साथ थे, मानसिंह अकबर के साथ थे इसीलिए क्या हो गया, मानसिंह अकबर के साथ थे और मानसिंह साथ थे इसीलिए अकबर रणथंभौर को जीतने में सफल हो गया और रणथंभौर के दुर्ग पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। और अब अगला जो कार्य किया गुजरात अभियान, अकबर क्या है गुजरात पर अपना अधिकार करना चाहता था और गुजरात अभियान के लिए इन्होंने मानसिंह को नियुक्त किया और मानसिंह ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के वहां के शासक शेर खां फलोदी का दमन किया और शेर खां फलोदी का दमन किया और गुजरात मुगलों के अधीन करवाया, ठीक है। अब शेर खां फलोदी का दमन किया और उन्होंने क्या किया था, इसमें शेर खां फलोदी
जिन दो व्यक्तियों के दम पर उछलता था वो शेरखान लोदी के दो भतीजे थे, दुर्गा और बागा। ये दोनों क्या है, गुजरात अभियान जब मान सिंह ने किया इसमें क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, अब अगला जो अभियान किया डूंगरपुर, ठीक है, अकबर क्या है डूंगरपुर, गुजरात अभियान के पश्चात डूंगरपुर अभियान का कार्य भी किसको सौंपा, अकबर ने मान सिंह को सौंपा। अकबर ने क्या किया, डूंगर पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक आस्करण को पराजित किया और डूंगरपुर पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित करवा दिया। ठीक है, ये डूंगरपुर अभियान। अब इसके पश्चात क्या है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गए थे, यहाँ पर राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर प्रवास के दौरान, और अकबर की शरण में सबसे पहला राजपूत शासक जो अकबर की शरण में आया, अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो आमेर के शासक बारमल थे। ठीक है, लेकिन मेवाड़ के शासक उस समय अकबर के समय महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो अब अकबर क्या है, मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहते थे। ठीक है, और अकबर मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहते थे, उन्होंने मेवाड़ को अपने अधीन लाने का ये जो कार्य था ये किसको सौंपा, अकबर को, मानसिंह को ही ये कार्य सौंपा। लेकिन अकबर नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, कि महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ के साथ युद्ध हो, इसीलिए अकबर ने शिष्टमंडलों के माध्यम से महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया था, और इसी शिष्टमंडल के दौरान उन्होंने मानसिंह को भेजा, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी तरह अगर राजपूत को राजपूत ही समझाएगा तो समझ आ जाएगा, और कि राजपूत को राजपूत समझाएगा, जिस तरह लोहे को लोहा काटता है उसी तरह एक राजपूत को राजपूत समझाएगा तो उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मानसिंह को भेजा। मानसिंह क्या है, मेवाड़ गए और मानसिंह मेवाड़ गए और महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने भेंट की, उदयपुर की पालपुर नामक पहाड़ी पर इन दोनों की भेंट हुई। मानसिंह ने अकबर को, मानसिंह ने महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया, और मानसिंह वापस मुगल दरबार लौट आए। ठीक है, अब इतने में क्या आ गया, 1574 आ गया, और क्या हो गया, अब बारमल की मृत्यु हो गई और भगवंत दास गद्दी पर बैठ गए। जब शिष्टमंडल के माध्यम से समझाने भेजा, मानसिंह भी समझा के आए, आने के बाद जैसे वो आए तो उनको पता चला कि बारमल की मृत्यु हो गई, और बारमल की मृत्यु हो गई 1574 में, और भगवंत दास गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, अब जब भगवंत दास गद्दी पर बैठ गए तो मानसिंह की पहचान किस रूप में हो गई, कुंवर मानसिंह के रूप में हो गई। अब वो क्या है, आमेर के शासक भगवंत दास के पुत्र हैं, अब उनकी पहचान कुंवर मानसिंह के रूप में हो गई। अब हमारा जो टॉपिक है कुंवर मानसिंह के रूप में क्या क्या सेवाएं दी, तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आमेर के शासक भार में बैठे हुए थे अकबर के समय, और भारमल काले मुगल शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बारमल के बाद उनके पुत्र भगवंत दास, भगवंत दास के बाद उनके पुत्र मानसिंह, मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को हुआ, और उन्होंने मुगल सेवा में प्रवेश किया और 12 साल के थे जब इन्होंने मुगल सेवा में प्रवेश किया था, 1562 में इन्होंने मुगल सेवा में प्रवेश कर लिया था। मुगलों को इन्होंने जो सेवाएं दी उसको तीन भागों में बांटा है, कुंवर मानसिंह के रूप में, कुंवर मानसिंह के रूप में, और एक शासक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी, जिसको हमने अलग अलग तीन सुविधा के लिए तीन चरणों में बांटा। पहले हमने कुंवर मानसिंह के रूप में रणथंभौर अभियान किया, गुजरात अभियान, डूंगरपुर अभियान, और मेवाड़ के महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। ठीक है, अब जो दूसरा चरण है
बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका फीलिंग छोड़ ले लीजिए।